नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। उमरिया जिले में करकेली तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरही के सिमरिया हार में किसानों के खेत में भीषण आग लग जाने के कारण कई एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में किसानों के द्वारा बताया गया कि वह दोपहर खाना खाने गए थे, आकर देखा तो खेत में धो धो करके आग जल रही थी। आंधी तूफान के कारण आग बढ़ गई, जिसके चलते लगभग 5 से 6 एकड़ के खेत में गेहूँ जलकर खाक हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के शोर शराबा करने पर लोग पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे और आग आगे ना बढ़े ऐसी व्यवस्था बनाई गई। मौके पर पूर्व जनपद सदस्य धीरू सिंह पहुंचकर तत्काल नौरोजाबाद थाना को सूचित किया, पर जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि आग आगे नहीं बढ़ सकी। बता दें, किसानों की साल भर की मेहनत और गाढ़ी कमाई जलकर राख हो गई है। किसान बेहद सदमे में हैं। किसानों ने बताया कि हजारों रुपए खर्च करके किसी तरह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में अब वह क्या करें, कहां जाएं? किसानों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं किसानों का क्या कहना है। सिंह की जात बरही है, बरही के सिमरिया हार में आग लगी है, जो कि इसमें शंकर लाल साहू का समथिंग आपके सामने ही है, 1 एकड़ के आसपास, और इन्हीं के भाई हीरा लाल साहू का जला है गेहूँ, और राह में रखा गेहूँ जो है तो अमर लाल साहू और बब्बू साहू, सोहन साहू, इनका जो है 3-4 लोगों का नुकसान हुआ है। आज जल के अब आग लगने का कारण अज्ञात है। लगभग समझ लीजिए 1 एकड़ में 15 क्विंटल से कम गेहूं तो होता ही नहीं है। 4-5 एकड़ है, 15-50 क्विंटल के आसपास नुकसान है चारों किसानों का। क्या चाहते हैं? हो गया, अब इनकी नुकसानी भरपाई हो शासन द्वारा, यही हमारा। भाई आग लग गई, नहीं जानते साहब की कैसे लगी आग। खाना खा गए थे काट के, और आए तो आग बढ़ रही थी, तो बुताते बुताते बहुत आदमी को लाना नहीं बच पाया। क्या जल गया? गेहूं जल गया। कितने का नुकसान हुआ? 2 एकड़ के लगभग जल गया हमारा। अब क्या खाएंगे हमारे बाल बच्चे? अब कहाँ जाएंगे हम साहब, आप बताए। क्या चाहते हैं आप? अब हम मुआवजा दीजिए। अब क्या, हमारे लड़का बच्चन को पालना है तो दो कुछ।